आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी स्किल के बारे में बताऊंगा जो कि आपको वर्ल्ड की तकरीबन हर कंट्री में काम आएगी और आपको बहुत पैसा बना के देगी, चाहे आप पाकिस्तान में रहते हो या इंडिया में या किसी भी कंट्री में आप रहते हो, ये स्किल आपके बहुत काम आएगी। तो इसको शुरू करते हैं। आप लोग सिर्फ सोचते हैं कि ऑनलाइन पैसा कैसे बनाए, डॉलर से पैसा कैसे बनाए, फाइवर पैसिव इनकम, मगर कोई कॉमन प्रॉब्लम्स की तरफ देख भी नहीं रहा है। लाइक आपकी अराउंड आपके हाउस में इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिनके बगैर आप रह नहीं सकते। अगर वो चीज़ सही से काम नहीं करे तो आपका जीना हराम हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी एसी, फ्रिज, सोलर पैनल्स, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर प्रॉब्लम्स एंड ईटीसी, इन सब के डिफरेंस टेक्नीशियन होते हैं जो अपनी रिपेयरिंग की सर्विस देते हैं। आपको पता है कि एक अच्छा फ्रिज रिपेयर करने वाला मंथली कितना कमाता है आपको लगता होगा? ये लोग बस सर्वाइवल जितना कमा लेते होंगे। यहाँ आप रॉन्ग हो, ये लोग शो नहीं करते। इसका मतलब ये नहीं है कि ये अच्छा नहीं कमाते हैं, ये आपकी सोच से भी ज़्यादा कमाते हैं। एक अच्छा फ्रिज एसी टेक्नीशियन जिनको मैं जानता हूँ, सिर्फ दो भाई हैं वो सीजन डेज में, जो कि गर्मियों के होते हैं, मंथली एटलीस्ट 9 लाख रुपए अर्न करते हैं। ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ आपसे, नॉर्मल डेज में 4 to 5 lakhs। वो दोनों इतनी अर्निंग कैसे कर लेते हैं मैं आपको ये बताऊँ, और कैसे करते हैं वो, कुछ SOPs को फॉलो करते हैं। नंबर वन, बेस्ट सर्विस देते हैं, ठीक है। फिर जो एसी के पार्ट्स होते हैं वो जब निकाल रहे होते हैं, ख़राब हो जाते हैं उनके पार्ट्स, वो जब रिप्लेस होते हैं वो ओरिजिनल पार्ट ही यूज़ करते हैं। और गुड कम्युनिकेशन, वो उनकी कम्युनिकेशन जो है वो बहुत बेहतरीन होती है। अच्छा, उसके बाद जब रिपेयर हर चीज़ वो कर लेते हैं, उसके बाद वो 1 month की वारंटी देते हैं आफ्टर रिपेयर, ठीक है। अगर 1 month के अंदर कोई भी इशू होता है, चाहे वो आपकी अपनी गलती से हो या इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हो, वो आपको फिक्स करके देंगे विदाउट एनी चार्जेस। ये बड़ी बड़ी कंपनियां भी नहीं दे पा रही है, ठीक है। और वो सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं मार्केटिंग के लिए। एक ऐड कंपनी से उनके पास 100 क्लाइंट्स आ जाते हैं। एक एड जो कि उनको 50 या 100 पाकिस्तानी रुपीस पर बन के एक्सप्रेशन कॉस्ट करती है, 1000 लगा के अच्छे क्लाइंट्स ग्रैब कर लेते हैं वो। क्योंकि अच्छी सर्विस देने की वजह से जब भी क्लाइंट की कोई चीज़ ख़राब होती है, वो सिर्फ इन्हें को ही बुलाते हैं, किसी और की तरफ देखते भी नहीं है, क्योंकि ट्रस्ट है। ऐसी सर्विस बड़ी बड़ी कंपनियां भी, मुझे नहीं लगता कि बड़ी बड़ी ऐसी कंपनियां भी दे सकती हैं ऐसी सर्विस, ठीक है। तो यही बात है। अच्छा, ये जो दो भाई हैं ये दिन के 12 घंटे काम करते हैं, फिर भी डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहे। अभी वो टीम बिल्ड कर रहे हैं, बिल्ड करने का सोच रहे हैं। ये सब बताने का मकसद ये है कि कोई काम छोटा नहीं होता, डिमांड देखी जाती है। और आपकी सर्विस, आजकल के दौर में अच्छे ऑनेस्ट लोग मिलना बहुत मुश्किल है। अगर मिल जाते हैं तो फिर उसको लोग नहीं छोड़ते। अब ये वीडियो देखने के बाद कुछ लोग बोलेंगे ये सब झूठ है, या ये सिर्फ एक स्टोरी है, या ये लोग ग्रोथ नहीं कर सकते उस लेवल की। कुछ लोग जिनका IQ अच्छा होता है, उनको सिर्फ एक आइडिया, एक डायरेक्शन चाहिए होती है, उनके लिए जस्ट एक इशारा ही काफ़ी है। ये लोग कुछ बोलते नहीं हैं, आइडिया लेकर अपना काम स्टार्ट करते हैं। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, आप छोटे काम को बड़ा कैसे बनाते हो उस पर डिपेंड करता है। आप न्यू जनरेशन हैं और उन दो भाइयों से ज़्यादा जानते हैं इंटरनेट की दुनिया को। अगर वो सोशल मीडिया का यूज़ करके 9 लाख अर्न कर सकते हैं, तो आप तो ये सोशल मीडिया को बहुत अच्छे से जानते हैं, तो आप कितने अर्न कर सकते हैं ये सोचो।
अब यहाँ क्वेश्चन ये आएगा कि इस काम को सीखें कैसे। आपने तो बता दिया, आप सीखें कैसे इस काम, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। बहुत सिंपल है, मैं आपको 3 स्टेप्स बताता हूँ, अगर आप फॉलो करते हो तो कोई भी काम सीखा जा सकता है। नंबर वन, कोई भी स्किल सीखने के लिए आपको उस्ताद चाहिए होगा। आप यूट्यूब से भी सीख सकते हो, ऐसी बात नहीं है, बट मैं आपको एसी या फ्रिज रिपेयर स्किल की उस्ताद से सीखने का ही रिकमेंड करता हूँ। अगर एसी फ्रिज के बात करें तो आपको बहुत मिल जाएंगे एसी फ्रिज रिपेयर वाले अपनी ही एरिया में, जिनके पास जाके आप काम सीख सकते हो। अब आप बोलोगे कि वो हमें काम क्यों सिखाएंगे। उनको बोलो हमें काम सीखना है और हम फ्री में काम करेंगे आपके साथ। अगर आप उनको फ्री की लालच दोगे तो हर कोई आपको काम देगा और सिखाएगा। उसके बाद क्या करना है वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। काम स्टार्ट करो, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। आप उस काम को कैसे छोटे से बड़ा करते हो, दैट्स मैटर। आई होप कि आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर लाइफ में आप एक स्ट्रगल में हो और कुछ अपना करना चाहते हो, कि बिजनेस या पार्ट टाइम बिजनेस, जिसको आप अपने जॉब के साथ सेफ तरीके से सेफ साइड रह के कर सको, या आप एक स्टूडेंट हो जिसको बिजनेस करना है विदाउट इन्वेस्टमेंट, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, बहुत हेल्प करेगा इंशाल्लाह। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दो, इसको शेयर करना ना भूलना अपने बिजनेस पार्टनर के साथ। अगर आप चाहते हो कि आपके सारे प्रॉब्लम सोल्व हो जाए, दो चीज़ें करनी होगी जो कि बहुत सिंपल हैं। बहुत लोग पता नहीं क्यों मुश्किल समझते हैं, बट बहुत सिंपल है। मैं अपने मुसलमान दोस्तों को बोल रहा हूँ, आपको करना सिर्फ इतना है कि 5 टाइम्स की नमाज पाबंदी से पढ़नी है, और हर नमाज के बाद आपको अल्लाह का शुक्र अदा करना है। अल्लाह की कसम, आपके सारे प्रॉब्लम्स हल हो जाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हम सबको पाबंदी से 5 टाइम्स की नमाज और शुक्र अदा करने की तौफीक अदा करें। आमीन। आपसे मैं अपनी दूसरी वीडियो में मिलता हूँ, एक दूसरी स्किल के साथ जो मैं आपको बताऊँगा। आई होप कि आपको कुछ सीखने को मिला हो, मगर ये सिर्फ ऐसे नहीं कि सुनो सिर्फ, अगर करोगे तो पैसे आएंगे और अपनी लाइफ में एक अच्छा इंसान बन पाओगे। वरना तो आपको पता ही है, जो नहीं कमाता है उसको पाकिस्तानी लोग कैसे ट्रीट करते हैं, या फिर दुनिया उसको कैसे ट्रीट करती है। आई होप कि आपको सब समझ आ गया होगा। ओके, सेफ रहो, खुश रहो, अल्लाह हाफिज़।